हाँ भाई, मैं कह रहा था कि मतलब कभी कभी ये भी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि भाई जिस भी रिएक्शन के अंदर आप साहब ये तो बता रहे हो कि नाइट्रिन फॉर्मेशन हो रहा है और आप ये भी कह रहे हो कि नाइट्रिन क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है। तो भाई नाइट्रिन हाईली रिएक्टिव होता है और नाइट्रिन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। कहने का मतलब नाइट्रिन उसी रिएक्शन के अंदर बनेगा जिसके अंदर उसको इलेक्ट्रॉन की जो दरकार है वो पूरी करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। भाई नाइट्रिन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं? इसका ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? पाँच है। इसको तीन और चाहिए भाई, तो इसको कोई ना कोई देने वाला तो होना चाहिए ना, तभी तो इसका क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ये स्टेबल फॉर्म में बनेगा। इसलिए नाइट्रीन उसी रिएक्शंस के अंदर बनता है जिनके अंदर क्या होता है, कोई प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। कैसा सॉल्वेंट होता है भाई? प्रोटिक सॉल्वेंट। अब भाई प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जो मतलब किसी भी तरह से मतलब इलेक्ट्रॉन की दरकार इसकी पूरी कर सके। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम एजाइड, हमने लिया है ठीक है कि नहीं? तो सोडियम एजाइड में क्या है, हम सब जानते हैं सोडियम 11 नंबर पे आता है, 2, 8 और 1, है कि नहीं है? और ये स्टेबल फॉर्म में कब बनेगा? जब Na प्लस बनाएगा 2 और 8। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट हुआ तो क्या हो जाएगा, स्टेबल फॉर्म होगी ना इसकी। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा और कौन, नाइट्रीन को एक्सेप्ट कर लेगा, है कि नहीं है भाई? ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो Na प्लस बनाएगा ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा नाइट्रीन। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, है कि नहीं? अब देखो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, वहाँ पे पहुँचते हैं। देखो हम पहुँच गए थे, नाइट्रीन हमारा इंटरमीडिएट बन गया था। अब देखो भाई CH3C डबल बॉन्ड O और ये आपका नाइट्रीन फॉर्मेशन हो गया भाई यहाँ पे। ये बात बताओ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि नहीं है? अब देखो कि जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास भाई दो लोन पेयर है। और सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को आप ये समझो एक तरीके से मनी मान के चलो, जिस बंदे के पास मनी ज़्यादा होगी उसको उतना ही खर्च भी करेगा। अब ये अपने जो मनी है एज इलेक्ट्रॉन ये खर्च कर देता है, यानी कि इधर शेयर करेगा। अब भाई कार्बन की मजबूरी ये है कि ये सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 नहीं बना सकता, है कि नहीं है? तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसके आगे का ये क्या होगा, इधर माइग्रेट कर जाएगा। और अब स्ट्रक्चर देखना ध्यान से, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया हमने, नाइट्रोजन भी आपका यहीं किया ही है। मैंने क्या किया है, बस एक यहाँ पर देखो भाई, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं है ना, इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए और कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे ना, है कि नहीं है? तो डबल बॉन्ड बन गया साहब आपका। अब भाई डबल बॉन्ड तो यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब देखो कार्बन के कितने हो गए, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब ये जो क्या बोलते हैं आर जो यहाँ से गया है, कोई भी एल्किल ग्रुप है आपका, ये कहाँ जाएगा, सीधा नाइट्रोजन से जाके अटैच हो जाएगा। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन भी खुश हो जाएगा भाई, इसके भी 3 ही बॉन्ड बना सकता है, अभी न्यूट्रल फेज के अंदर आ गया, तो ये आपका हो गया। अब देखो लास्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस स्टेप। देखो भाई हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं हम। भाई लाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टूटना, है कि नहीं है? और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस के अंदर, यानी कि वाटर की प्रेजेंस के अंदर किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉन्ड का टूटना, उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, सी डबल बॉन्ड ओ एन आर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है साहब आपको तो ठीक है। अब इधर मैं देखो वाटर की तरफ कैसे तोड़ता हूँ, इधर एच और इधर ओ एच ठीक है भाई, टूट गया, टूट गया कि नहीं टूट गया? यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब देखो अगले स्टेप में क्या फॉर्म होगा, सी डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन आर, यू क्यों एक बॉन्ड आपने क्या किया, तोड़ दिया, इधर क्या आ गया साहब, ओ एच आ गया, इधर क्या आ गया साहब, एच आ गया। अब अगले में मैं क्या करूँगा, इसको स्टेप में हीट कर दूंगा थोड़ा, हीट का मतलब ये क्या है, थर्मल का साइन होता है, यानी मतलब मैंने हीट दे दी इसको। अब हीट देते हैं क्या होता है, रिएक्शन से ये आपकी CO2 बाहर चली गई भाई। अब ये CO2 तो बाहर निकाल दी हमने ठीक है, अब बच गया क्या, उस पर गौर करो आप। तो भाई ये नाइट्रोजन है आपका, ये एल्किल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, RNH2। और अगर हम यहाँ पे पहुँच जाएँ
तो हम क्या लेके चले थे, सी एस थ्री लेके चल रहे थे ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं है। यानी कि ये आपकी क्या फॉर्म हो गई, 1 डिग्री एमीन फॉर्म हो गई भाई। और मैंने यही तो बताया था आपको भाई, देखो ना ध्यान से कि रिएक्शन के अंदर हमने ये बता दिया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, सब कुछ हमने कर लिया, ठीक है ना। एट लास्ट मैंने यही तो बताया कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, RnH2, यानी कि 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमने यहाँ पे भी यही देखा है भाई कि 1 डिग्री अमीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये थी आपकी कर्टियस रिएक्शन। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ भाई, कर्टियस रिएक्शन क्या होती है। कर्टियस रिएक्शन के अंदर एसिड डेरिवेटिव, या हमने ले लिया है एसाइल क्लोराइड। भाई देखो जो CH3CO ग्रुप होता है इसको एसाइल बोला जाता है, जनरली क्या होता है CH3 यूज़ करते हैं इसलिए इसको एसाइल बोलते हैं। तो एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड से कराई जाती है, तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे है भाई नाइट्रीन हमारी, ये रिहा नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो गया। कैसे हुआ नाइट्रीन का फॉर्मेशन, कि यहाँ पे देखो NaCl बाहर चला गया, Na का प्लस Cl का माइनस, NaCl निकल गया। यहाँ पे क्या हो गया, तीनों के तीनों नाइट्रोजन आपके यहाँ पे मैंने अटैच करके बड़े तरीके से दिखा रखा है कि भाई देखो याद रखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। 3 बनाएगा तब तक तो क्या है, न्यूट्रल फेज के अंदर रखेगा। भाई ऐसे भी तो याद रख सकते हो ना आप कि N2 क्या होता है, N(NNNH) तो होता है और तो कुछ नहीं होता ना। तो ये क्या हो गया, इसके न्यूट्रल फेज के अंदर, यानी कि न्यूट्रल फेज में कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3 बॉन्ड ही तो फॉर्म कर रहा है ना। तो ये नाइट्रोजन हो गया आपका, ठीक है। ये माइनस प्लस अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर देगा, भाई पैसे वाला आदमी है तो इलेक्ट्रॉन खर्च कर देगा, पैसे का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये इधर देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी प्लस है, प्लस माइनस बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब देखो इधर माइग्रेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस फॉर्म हो जाएगा। अब एट लास्ट हमको कुछ ऐसे यहाँ पे ब्रेकिंग करनी होगी जिससे दोनों खुश हो जाएं। देखो भाई अब इसको चाहिए क्या प्लस, इसको चाहिए क्या माइनस, इसको माइनस दो, इसके पास अपने आप प्लस बच जाएगा, ठीक है। या आपका नाइट्रिन फॉर्मेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रिन क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ये ऐसी रिएक्शन के अंदर बनता है जिनके अंदर क्या होता है, कोई प्रोटिक सोलवेंट उपस्थित हो, ठीक है ना। ये आपका नाइट्रिन फॉर्मेशन हो गया। नाइट्रिन क्या करेगा, यहाँ सोडियम एजाइड इसीलिए जाता है कि भाई सोडियम इसकी इलेक्ट्रॉन की जो दरकार है उसको पूरी करता रहे। और उसके फिर ये वाला जो स्टेप है इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि माइग्रेशन कैसे होता है। भाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इधर शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, वही वाली बात आ गई कि भाई ये क्या है, माइनस चार्ज ही तो है। अब माइनस चार्ज इधर अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, शेयर करेगा। अब माइनस इधर शेयर करेगा तो अपने ऊपर क्या ले जाएगा, प्लस ले लेगा। प्लस माइनस क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, है कि नहीं है। अरे भाई देखो दोबारा बताता हूँ मैं आपको एक बार, CH3C(OH)2 नाइट्रीन ये आपका है, ठीक है भाई। ये पैसे वाला आदमी है, इलेक्ट्रॉन वाला आदमी है, ये दे दिए साहब इसने इलेक्ट्रॉन। अब इसने दिए हैं तो कहने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और इसने लिए हैं इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, है कि नहीं है। और बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ दिखाई रखा है मैंने, ठीक है। सी और एन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, सी ओ ऐसे कैसे है। अब देखो जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो कार्बन की तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसलिए इसको माइग्रेट करना पड़ेगा भाई इधर, और ये करना पड़ेगा। तो आर ग्रुप जो आपका CH3 है भाई, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, मैंने ये तो बता रहा है आर इज इक्वल टू CH3, यही तो किया है ना मैंने। तो फिर ये क्या हो, माइग्रेट कर गया, हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये एक बॉन्ड टूट गया है। फिर अगले स्टेप के लिए हमने थर्मल दिया, इसको हीट दिया, CO2 बाहर निकल गई, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में इंटरमीडिएट नाइट्रिन फॉर्मेशन होता है। ये मेरा पहला वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो लेकर आपके पास आता रहूं तो मेरे चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय।